स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है. मैं हूं आपकी होस्ट अमिता. जॉइन अस वीकली टू गेट इंस्पायर्ड एंड टू बिकम पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स एंड स्टोरीज. आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक एम्पावरिंग वुमेन कम्युनिटी लीडर. शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर एट एजी मीडिया एंटरटेनमेंट इंक एंड शी इज़ ब्रॉट अस मेनी इवेंट्स इन द पास्ट एंड शी इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग एन अमेजिंग इवेंट. सो आई वॉन्ट टेक एनी मोर टाइम. Let's introduce you to the creative director at AJ Media Entertainment Inc., Ms. Simran Ramesh Raj. Simran ji, aapka swagat hai. Bahut bahut shukriya Amita, aapne hame yahan par bulaya aur ek chhota sa mauka diya ki hum aapke saath baat kar sake. So I'm really thankful to you and Khalid ji for giving me this opportunity. Well, thank you so much. Sunne mein aa raha hai there's a big event based on cricket that's coming up. लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले कुछ हमें आपके बारे में बताइए. Like where did you grow up? How has been your journey thus far? कहाँ से शुरू करूँ मैं सोच रही हूँ. दास्तान बहुत लंबी है तो शुरू से तो शुरू करना बड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, मैं बॉम्बे से हूँ, इंडिया से हूँ. सो ओरिजिनली आई कम फ्रॉम मुंबई. और अगर ज़ाती तौर पर पूछे तो या माई जो टेलीविजन है या आर्ट है, क्रिएटिविटी है, वो जीन्स में है क्योंकि मेरे फादर राइटर हैं और मैं उनका नाम ही चलाती हूँ. मैं अपने लास्ट नेम को बिलोंग नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है. तो आई रियली वांट टू टेक माय डैड्स नेम फॉरवर्ड. सो मेरा रमेश राज इज़ माय फादर, ही इज़ अ राइटर. तो मैंने बचपन से ही कहानियाँ सुनी हैं उनकी. मैं वो बहुत ही खुशनसीब बच्चों में से थी जिनके लिए लोरियाँ लिखी जाती थी. तो पापा मेरे लिए लोरी लिखते थे, मैंने वो लोरियाँ सुन सुन के बड़ी हुई हूँ. धुन, लिरिक्स, ये सब मैंने बचपन से मुझे बहुत मतलब प्रभावित करते थे. तो लेकिन हाँ, माय मॉम शी इज़ लाइक क्वाइट स्ट्रिक्ट कि लड़कियों को इंडस्ट्री में नहीं जाना है. और मुझे ऑन स्क्रीन से ज़्यादा मुझे बिहाइंड द स्क्रीन काम करना था, जो कि उस वक्त काफ़ी टफ था. लोग लड़कियों को बड़ा सीरियसली नहीं लेते थे. अब तो वक्त बदल गया है. तो धीरे धीरे तो चलो वो नहीं था, एरोस्ट्रेस बनना चाहती थी. फिर काफ़ी सोचा कि नहीं, वहाँ से मूड चेंज हो गया. लेकिन जहन में सबकॉन्शियसली मुझे था कि मुझे इंडस्ट्री में जाना. आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री एंड स्पेशली बिकम अ असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट, देन बिकम अ डायरेक्टर, देन हैव अ प्रोडक्शन हाउस. सपने होते हैं ना आपके. तो बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था. पापा ने बहुत हौसला अफजाई की, मम्मी खिलाफ थी. तो फिर होता है, एक पेरेंट सपोर्टिव होता है तो दूसरा सपोर्ट. तो वो घर का होता है ना, लड़की है, उम्र हो गई, शादी कर लो एंड देन योर जर्नी इज समवेयर एल्स, राइट. तो लेकिन मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था. तो पापा ने मुझे चुपके से लाइक यू नो, उन्होंने अपने फ्रेंड के असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया. ही वॉज अ डायरेक्टर, उन्होंने फिल्में वगैरह की थी एंड स्लोली ही वॉन्ट्स टू गो इन टू टेलीविजन. क्योंकि उस वक्त टेलीविजन एक जगह बना रहा था अपनी. इट वॉज बिकमिंग अ वेरी कॉपरेट वर्ल्ड. तो मेरी स्कूलिंग जो अगर मैं कह सकती हूँ इंडस्ट्री में, जो मैंने पाँव रखा, तो मैं बालाजी टेलीफिल्म्स वॉज माई स्कूल. नाइस. जब एकता कपूर खुद ग्रो कर रही थी तो हम जीतू अंकल की गैरेज में हमारी ऑफिस होती थी. और उस वक्त एकता के सीरियल होते थे, इतिहास, हम पाँच. सो वो डी डी वन के वो सीरियल्स किया करती थी. तो यश चौहान मेरे गुरु हैं, जो जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लेकर आया, सिखाया. तो मेरा इंटरव्यू भी बड़ा अजीब सा था उनके साथ में. पहले देखो, पहले सबसे पहले तो मैं लड़कियों को रखता नहीं. लेकिन अभी क्योंकि आप मेरी दोस्त की बेटी हैं और मुझे लगता है कि आप बस, मैं आपको एक हफ्ते का मौका दूंगा. और मुझे कुछ नहीं आता था. तो मुझे, और जैसे वहाँ पर एक होते थे, अगर लड़कियों को शौक भी है ना तो उन्हें कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में छोड़ देते थे कि आप कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी लिखेंगे. बट मुझे वहाँ से कहीं और जाना था क्योंकि आपकी अंदर इतनी क्रिएटिविटी भरपूर थी. तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ. उन्होंने मुझे ड्रेस कंटिन्यूटी में रखा, विच आई रियली नाइट. और बहुत ही अजीब सा माहौल था. आप खड़े रहो, जी बोलो एंड यू नो, मुझे कहा कि आप किसी से बात नहीं करेंगी और सिर्फ एक हफ्ता है आपको. यू प्रूव इट दैट यू विल बी वेरी सीरियसली डूइंग दिस, अदरवाइज गर्ल्स गेट मैरिड एंड दे हैव अफेयर्स एंड दे डोंट आर नॉट वेरी सीरियस. पूरी यूनिट का भी माहौल ख़राब कर देती हैं एंड ऑल दैट. तो
कंट्रोल सा एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा तो मुझे तो वो स्कूल के समय जो ब्रिटिश सिस्टम की जो एथिकेट थी उसकी याद आती है. तो बस वहाँ से शुरू हुआ. लेकिन हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने रजा मुराद जी हमारे साथ थे और एक कंटिन्यूटी थी. मतलब मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन एक मास्टर शॉट में उनकी राइट पे चोट आती है. फिर उनको कहीं दूसरी शूट पे जाना था तो क्लोजअप लगा हुआ था तो गलती से मेकअप ने उस वक्त अभी तो कैमरा वगैरह चलो है तो अभी तभी तो स्टिल्स हम निकालते थे एंड देन हम यूज़ करते थे बाद में. लेकिन कंटिन्यूटी अगर आपने ठीक से नहीं लिखी होगी तो देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो जब क्लोज का वक्त आया शाम का तो उनका इधर से शिफ्ट हो गया यहाँ पर. मैं नई थी मुझे से कुछ था नहीं तो ऐसे जो चीफ था मैंने पूछा था ये अच्छा वो वाला शॉट है ना जिसका. बोले हाँ अभी पहले मास्टर लगाया जाता है फिर क्लोज करेंगे तब इनका क्लोज ले रहे हैं. तो मैंने कहा एक बात कहूँ वो जो वो तो वहाँ लगा था मैंने लिखा है उसको आपने कहा था मुझे. लेकिन तब तक एक दो क्लोजअप्स हो चुके थे. बट यू आर पेइंग अटेंशन. यस हाँ. तो फिर बाद में उन्होंने चीफ ने जाके डायरेक्टर से कहा फिर वो रीशूट हुआ. रजा मुराद जी खुश हुए क्योंकि अदरवाइज फिर रीशूट करना पड़ता एंड ऑल दैट. तो वहाँ से लाइक मैंने अपनी जगह बनाई और वहाँ से शुरू हुआ एंड देन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. फिर मैंने बालाजी में इन हाउस रही. मैं एवरी सीरियल ऑलमोस्ट एवरी सीरियल आई डिड. कुसुम कुटुम कहानी घर घर की सास भी निकली बहू थी वॉज माई लास्ट. सो 5 years मैंने वहाँ पर काम किया बालाजी में. लेकिन जहाँ पर आपकी स्कूलिंग होती है वहाँ के प्रोफेसर आपको कभी नहीं बनना चाहिए. तो मैंने कहा नहीं मैं यहाँ अपना कैरियर नहीं बनाऊंगी मुझे कहीं और जाके कुछ और करना पड़ेगा. नाइस. सो फिर देन अरुणा जी ने मुझे हायर किया. लेकिन उस वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. अरुणा जी इज माय रियल मेंटर इन प्रोडक्शन हाउस. सो इट साउंड्स लाइक कि आपकी क्रिएटिविटी शुरू हुई घर पर विद द सपोर्ट ऑफ योर डैड एंड देन यू मूव्ड ऑन and you moved on and got to better heights kyunki you were very dedicated and paid attention to detail. Aur uske baad journey is continuing. Ab aur Canada mein bhi aa gaye lekin uski taraf jaane se pehle ek chhota sa break lete hain. स्पॉटलाइट में फिर से आपका स्वागत है. वी आर टॉकिंग टू द क्रिएटिव डायरेक्टर एट ए जे मीडिया एंटरटेनमेंट इंक मिस सिमरन रमेश राज. तो हमें बताइए द जर्नी कंटिन्यूज कैसी. जर्नी कंटिन्यूज इन अ वेरी स्मूथ वे. फ्रॉम अरुणा जी आई डिड यूटीवी कॉमेडी सर्कस एंड ऑल दैट स्टफ एंड इट वॉज लाइक वक्त निकल गया और 15 साल बीत गए. वाओ. और एक आपका एक है ना वहाँ पे दाल रोटी का सवाल था. इट वॉज बिकम ए ब्रेड एंड बटर. हिम्मत ही नहीं हुई कि आप वो ब्रेड एंड बटर जो एक इनकम आती है वो छोड़कर आप फिल्मों में जाएं. क्योंकि फिल्में अनसर्टेन होती हैं 6 महीने की होती है यू डोंट नो. लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी कि मैं फिल्म की तरफ नहीं गई और मैंने उसी को कंटिन्यू किया. लेकिन एक वो मिलिट्री वाला जॉब सा हो गया था मेरे लिए क्योंकि ना मैं अपने भाई की शादी अटेंड कर पाई वो क्योंकि टेप जानी होती थी. तो एक पॉइंट आ गया था जब मुझे लगा था कि शायद मुझे ठहराव चाहिए. मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है. फिर मामा गुजर गईं तो फिर और भी आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट. तो वो एक ब्रेक को जर्नी को ब्रेक करने के लिए आई मूव टू कैनेडा. इरादा नहीं था कि मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगी. लेकिन मैं आई क्रेडेंशियल्स पर और मुझे लगा कि मैं कुछ वक्त रहूँगी थोड़ा सा मुझे बेटर रहेगा then I can move back to my own industry. To be very honest, मुझे Canada की television industry बड़ी depressing लगती थी उस वक्त. कुछ products मैंने देखे थे यहाँ के मुझे लगा था नहीं यहाँ पर अपना कुछ नहीं बन सकता. सो वो मैंने सोचा भी नहीं. और फिर ऐसा हुआ कि मैं जा नहीं पाई. मैंने कहा कि और 2-3 साल. फिर Canada एक ऐसी country है कि एक बार आप यहाँ आ जाते हो ना तो ये आपकी लतें बिगाड़ देती हैं. Well said. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ह्यूमैनिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कनाडा की बड़ी खूबसूरत हैं. So जब मैं वापस गई बॉम्बे में तो मुझे वहाँ की जो दस्तूर था काम करने का जो कल्चर था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. तो क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर मिल गई थी बेटर प्रोफेशनल वर्क एथिक्स वगैरह. तो और फिर इंडस्ट्री भी थोड़ी चेंज हो गई थी. जो आपके लोग थे वो चेंज हो गए थे. आपको वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं.
तो ऑटो साइड इज ऑलवेज आउट ऑफ माइंड इन इंडस्ट्री स्पेशली. तो फिर मैं वापस दोबारा आई, फिर मैंने रियल एस्टेट, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मुझे मीडिया में यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि जो काम आप वहाँ कर कर आए हो उसके बाद में आपको एक यहाँ करना में आपको एक कमी सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कुछ बिखरा बिखरा सा है, कुछ समेटा हुआ नहीं है, कुछ आगे नहीं जा सकता. तो फिर मैंने रियल एस्टेट की जॉब की, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया. टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री आई वुड से अजय शर्मा इज टेकिंग द इनिशिएटिव. इज़ अ फैमिली फ्रेंड और बोला कि तुम्हें इतना नॉलेज है और इतनी स्किल्स है, तुम्हारी ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, तो मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ. और ऐसे ही शौक शौक में वैलेंटाइन डे उसने किया, आई हेल्प्ड हिम. वेल ही फाउंड अ हिडन जेम. उन्होंने देखा था कि आपने इतना कुछ किया है एंड हाउ ही कुड यूज दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. जी हाँ. फिर बस वैलेंटाइन डे, मैं उस वक्त हेल्प कर रही थी, आई वॉज नॉट हिज पार्टनर, लेकिन उसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाए, मैंने कुछ कैंपेन बिजनेस, एक बैकग्राउंड तो था ही एकेडमी, तो मुझे पता था कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है. तो वो हिट हो गया. फिर कारा सागा आ गया, तो वहाँ पे आई बिकम अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर. एजे मीडिया वाज अ पार्ट ऑफ इट. तो फिर वो एक सिलसिला जो शुरू हुआ एजे मीडिया का, सो आई एम वेरी थैंकफुल एजे शर्मा हैज़ इंट्रोड्यूस मी. वी देन बिकम अ पार्टनर और फिर हमने डेडिकेशन से बहुत काम किया. एजे का खुद का बहुत 20 साल का बैकग्राउंड है ट्रेड शोज में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, एंड इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू द कम्युनिटी. यर रिसोर्सफुल है, मैं इतनी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने क्रिएटिव काम से रख के. वो भी रिसोर्स है, इट्स द इंटरनल रिसोर्स, यू नो, यू नीड टू वर्क टुगेदर, सो इट वाज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. सो ही एस्टैब्लिश्ड दिस कंपनी एंड देन लेटर आई जॉइन हिम. And the rest is history. Yes, so. Many events. Aapki, you know, it's accounted to your company, yani ki AJ Media Entertainment Inc. Aur aisi ek badi event abhi aap manage karne wale hain. So let's talk about that. Uski taraf jaate hain. Cricket, one of the top most popular sports in the world. Aur JSK Sports. Iske saath aapka association kaise hua? ये भी बाय फ्लक हुआ. हमने कभी भी अपने एजे मीडिया के लिए कोई मार्केटिंग यानी रेफरेंस मिलते गए हमें. इवन ही दिस जे एस के जय ठक्कर इज़ अ वेरी न्यू, बट ही इज़ अ फॉर्मर क्रिकेटर. ही हैज़ प्लेड इन लॉट्स ऑफ मैचेस, IPL एंड एवरीथिंग. ही हैज़ अ पैशन फॉर क्रिकेट एंड देन समबडी रिकमेंडेड अस टू यू नो टेक दिस एज एन इवेंट एंड जॉइन हिम. हम थोड़े से डर भी रहे थे क्योंकि हमने कभी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट नहीं किया था. लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ करेंगे यहाँ पर आउटसाइड द बॉक्स. तो मैंने कहा ले लेते हैं, देखी जाएगी. मतलब जो चीज़ नई होती है ना, तो उसमें आपकी क्रिएटिव जो चीज़ें होती है वो खुल जाती हैं. सो आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस एंड देन बस स्पोर्ट्स आ गया, अजरुद्दीन, चेतन शर्मा. मैंने कहा कि चलो इन लोगों की हमने बातें सुनी है, बिग नेम्स है. अजर फिल्म मैंने देखी थी, मुझे उसकी बायोग्राफी बड़ी अच्छी लगी थी. इट्स अ गुड स्टोरी. सो आई सेड लाइक यू नो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वी शुड टेक इट एंड देन मूव फॉरवर्ड. एक क्रिकेट कैंप होने वाला है और उसके साथ गैला भी होगा. हाँ जी. तो हमारे व्यूअर्स को बताइए उसके बारे में कुछ, लाइक डेट कब है, टिकट्स कहाँ मिलेंगे वगैरह. गाला जो तो 21st अक्टूबर को है. इट्स अ वेरी इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल बैंकवेट हॉल दैट इज़ ग्रैंड एम्पायर, जो 21st को है. तो जो लोग कैंप में नहीं प्ले कर सकते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, लेकिन दे रियली वांट टू सी द क्रिकेट स्टार्स, तो वो आएंगे. दिवाली गाला, क्योंकि हम दिवाली मना रहे हैं और ये स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक खूबसूरत शाम होगी या कॉम्बिनेशन है. और दिवाली का मौका भी है, तो चलो हमने कहा कि क्रिकेटर्स और दिवाली को ज्वाइन करके हम एक खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं. और कैंप में ये बहुत है कि पहली बार हो रहा है. अगर यहाँ पे क्रिकेट लवर्स है, फैंस हैं, पैशन है उनको क्रिकेट को लेकर, तो ये एक मौका है कि वो आएँ, इनके साथ में एक कोचिंग लें, एक वर्कशॉप लें, जाने क्रिकेट के बारे में. और हम मौका देना चाहते हैं इन यहाँ के प्लेयर्स को कि वो आगे इंटरनेशनली प्ले करें, कैनेडा की तरफ से प्ले करें. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका मिला है लोगों को कि आए और अपने टैलेंट को पोर्ट्रेट करें और उसको आगे लेके जाएं. वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हियर. हम उसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक.
स्पॉटलाइट में फिर से आपका स्वागत है. वी आर टॉकिंग टू द इंस्पिरेशनल सिमरन रमेश राज. तो सिमरन जी, हम बात कर रहे थे क्रिकेट कैंप और गाला के बारे में. हाँ, तो क्रिकेट मैंने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमें भी दी गई है, तो मैं GSK स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें कुछ नया करने का मौका मिला है जी मीडिया एंटरटेनमेंट को. और उसके अलावा देन हम लोगों को हंसाना भी चाहते हैं. हम चाहते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स पर लोग खुश हों, स्ट्रेसफुल लाइफ से अलग हटकर जाकर अपना स्ट्रेस रिलीज करें. तो हम कॉमेडी शो, अभी तो हमने कॉमेडी शो काफ़ी किए हैं, अभी दोबारा तीन महीने के बाद में वी कम अप विद अ कॉमेडी शो. सो अभी इस बार राहुल सुब्रमण्यम एंड कुणाल खामरा इज कमिंग. नाइस. सो वो काफ़ी ट्रेंडी हैं और यंगस्टर्स में बड़े पॉपुलर हैं. सो 9 नवंबर को हम वो कर रहे हैं. तो क्रिकेट के शौकीन अगर आप हैं तो आप GSK स्पोर्ट्स का क्रिकेट कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड कम टू द वर्कशॉप, लर्न फ्रॉम द क्रिकेट एलीट्स. और आप अगर स्टार्स को मिलना चाहते हैं क्रिकेटर्स, तो गाला में आइए, दिवाली हमारे साथ मनाइए. यू हर्ड इट, मोहम्मद अज़रुद्दीन, चेतन शर्मा, शिनाथ और दो BCI के कोच भी हैं, तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल. और अगर और अगर बहुत खुश होना चाहते हैं, गम भुलाना चाहते हैं, 2 घंटे हंसना चाहते हैं, तो डबल धमाल है, कुणाल कामरा एंड राहुल सुब्रमण्यम. तो हंसिए, क्योंकि मैं अभी भी कहती हूँ कि अनलिमिटेड लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन खुश रहने के लिए. वेरी वेल सैड. तो इट्स साउंड्स लाइक AJ मीडिया एंटरटेनमेंट इन काइंड ऑफ डाइव्स इनटू एवरी वॉक ऑफ लाइफ. जैसे आपने खुद कहा लाइक यू टेक अप दैट चैलेंज, स्पोर्ट्स पहली इवेंट है आपकी, बट यू टुक अप दैट चैलेंज. एंड प्रूफ ये है कि आपकी जो पास्ट इवेंट्स है इतनी सक्सेसफुल रही है. आपने यू हैड मैंशन सम ऑफ देम ऑलरेडी, सो डेफिनेटली गो चेक आउट दीज 2 अपकमिंग इवेंट्स बींग मैनेज्ड बाई दिस अमेजिंग कंपनी. अभी आई वॉन्ट टू डाइग्रेस अ लिटिल बिट, फिर से आपकी और आना चाहती हूँ. बिल्कुल. एज एन इंडिविजुअल, जैसे कि आपने इतना कुछ किया, यू ऑलरेडी मेंशन कि हमारी जो साउथ एशियन कल्चर या फैमिलीज में होता है कि नो वुमेन दे गेट टू अ सर्टेन पॉइंट और उसके बाद यू डोंट प्रोग्रेस, स्टे एट होम एंड डू यू नो व्हाट यू टोल्ड. लेकिन यू आर एन एग्जाम्पल, you thought outside the box and you went for what you were really passionate about. Aur abhi yahi aap kar rahi hai. But I have to ask you, do you have any time for yourself? Ki maybe you're working on your passion and that's all it's about, lekin jaise ki aapki kuch free time milta hai, aap kuch hobbies wagera hai aapke? Hobbies mein mujhe music pasand hai. Nice. So lekin waqt nahi milta abhi to, lekin ha, drive sounds karne like ke waqt mein lot on it. Yeah. So main nazmein padhti hu mere papa ki likhi hui. To mujhe recitation ka shauk hai, to kuch main nazm padhti hu. Aur mujhe bahut shauk hai film dekhne ka. To agar abhi to Canada mein maine dosti nahi ki, kyunki main itna involved rahi kaam se aur main ab bhi job karti hu. फिर मैं AJ मीडिया की काफ़ी इवेंट्स होते वो करती हूँ. नेक्स्ट वेंचर हमारा टेलीविजन है, तो हम वो करेंगे. तो हाँ, मुझे अपने लिए जो थोड़ा सा जो वक्त मुझे मिलता है, तो मुझे नज़में पढ़ना अच्छा लगता है मेरे डैडी की लिखी हुई. तो मे बी 1 पॉइंट ऑफ टाइम मैं उनकी सारी कविताएं पढ़ना चाहती हूँ. और क्या हमें भी मौका मिलेगा सुनने का एट सम पॉइंट? हाँ, मतलब ज़रूर मिलेगा. मैं चाह रही हूँ कि एक रेडियो छोटा सा मैं एक सेगमेंट करूँ, बट ओनली दी टाइम इज़ नॉट परमिटिंग मी. लेकिन या मैं करूँगी. बट आई बिलीव इन यू कि यू हैव इट इन योर माइंड्स एट सम पॉइंट यू विल अचीव इट. क्योंकि जैसे आपने अभी भी लाइक यू हैड ऑल दिस इन योर माइंड. पहले आप कहते थे कि जब आप इंडिया में थे, इट वॉज अ मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर, सो समटाइम्स यू कुडंट गेट अवे फ्रॉम वॉट यू हैड टू डू. बट लुक एट यू नाउ, बट होपफुली एक दिन ज़रूर हम वो मुकाम हासिल करेंगे जो मैं करना चाहती थी. हर किसी का सपना होता है मीडिया में, ख़ास तौर पे कि हम पहले चलो टेलीविजन करें, फिर फिल्में इज़ द डेस्टिनेशन. सो अक्सर लोग वहाँ जाना चाहते हैं और मैं भी उसी तरफ रुख किए रहती हूँ. लेकिन जब भी तकदीर मौका देगी तो हम ज़रूर जाएंगे उस तरफ. और मैं बाकी सभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा होता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं करने के लिए, ख़ास तौर पे व्हेन वी आर अ वुमेन, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. या तो आप घर बसा लें, लेकिन अगर आप घर बसाए हुए वो भी हो,
अगर आप में ये पैशन है तो कुछ वक्त आपको अपने लिए देना चाहिए. अपने पैशन को अपने तक सीमित रखने का तो कोई मतलब नहीं है. तो थोड़ी सी कोशिश करिए तो दरवाजे खुलते हैं. वेरी वेल सेड सिमरन जी. आज आपसे बात कर इतना अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑल द इवेंट्स दैट यू हैव सक्सेसफुली मैनेज एंड ऑल द अपकमिंग इवेंट्स. इट्स जस्ट यू एज अ पर्सन कि आप इतनी पैशनेट है और आप सिंसियर भी है. And humble. So yeah. We wish you all the best, not just as part of AGA Media Entertainment Inc. Mm-hmm. With the upcoming cricket event, with the upcoming comedy show, but also best of luck as a person with all your dreams. May they all come true. Thank you so much, and thank you very much, Amitha, for inviting me. And I also thank Khale ji, who is behind the camera, who is listening to us and watching us. So thank you very much. और इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे. थैंक यू. थैंक यू. तो ये थे मिस सिमरन रमेश राज, जिन्होंने हमें एहसास दिलाया है कि इफ़ वी आर पैशनेट अबाउट समथिंग वी कैन अचीव इट इफ वी पुट आवर माइंड टू इट एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. वेल, दैट्स अ रैप फॉर दिस वीक्स शो. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. कंटिन्यू टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एंड राइट टू अस एट spotlight@ethnicchannels.com. Until next week, this is Amitha signing off, encouraging you to grab every opportunity to reach for the stars.